इसका आशय समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी बहुत सारी बातें हुई, सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि हम जहां कहां रहे हैं। अब तक हम यही तय नहीं कर पाए हैं कि हमें करना क्या है। यहां पर सभी बुद्धिजीवी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, देख के अफसोस हो रहा है, हो सकता है मेरी बात किसी को चुभ जाए, अच्छी ना लगे, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि बहुत दिन से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत दिन से हम सेमिनार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या हम सब मिलकर के एक ही एजेंडा तय कर पाए। आज संविधान की हर आदमी बात करता है कि संविधान खतरे में है, बात कर बाबा साहब ने बताया था कि बहुजन समाज बहिष्कृत समाज तीन नदियों के संगम में बह गया है। क्या हमने कभी समझने की कोशिश की कि कौन सी वो तीन नदियां जिनमें बह गया है। उन्होंने बताया था कि दुर्बलता, दरिद्रता और अज्ञानता, इन तीनों बातों में पूरा पूरा समाज भरा हुआ है। आज हम बात करते हैं कि उनको छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर के बहकाया जा रहा है, किसकी गलती है, कौन ले रहा है ये चीजें, हम सबको दोष देने पर लगे हैं। क्या हम खुद दोषी नहीं है? क्या हमने कभी समझने की कोशिश की है कि हमें करना क्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम केवल दोष देने पर लगे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि दोष देने के बजाय बस हम एक दूसरे के आगे पीछे खोल दो ना, तो एक इतने सारे संगठन बने हुए हैं, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी संविधान बनाना चाहता है, हर आदमी सत्ता में अधिकार चाहता है। हमारा बहुजन भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि उसकी सत्ता में भागीदारी हो, लेकिन क्या सोचा है कि आपकी भागीदारी कैसे होगी, क्या महसूस किया है कभी किसी ने दिल से कि भागीदारी कैसे होगी, क्या हमने कोई योजना बनाई है कि भागीदारी कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। आप सब जानते हैं कि हमारे सभी महापुरुषों ने एक एक निर्देश हमें दिया हुआ है, लेकिन उस निर्देश को तो छोटा हमने उसे स्पष्ट तक नहीं किया। जो बाबा साहेब का लिखा हुआ साहित्य दूसरे पढ़ रहे हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं, और हम घर में सजाते बैठे, हमने कोशिश ही नहीं की है। हम खुद से बाहर, मैं से बाहर नहीं निकल पाए, हम कैसे हम होंगे। हर आदमी अपनी अपनी बात कह के जाता है, अपने संगठन की बात कह के जाता है, और अपने राजनीतिक संगठन की बात कह के जाता है। ऐसे भारत बनाओगे बहुजन भारत बहुजन होगा, ऐसे सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप खुद जोर लगा लीजिएगा, जब 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 तक हम खंड खंड में खड़े रहेंगे, जब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। आप सोच के देखिएगा कि एक जहाज को, एक पानी के जहाज को सारे यंत्रों से सुसज्जित करके, आधुनिक उपकरण लगा करके, सारा असला रख करके समुद्र में छोड़ दिया जाए, और उसमें हम एक केवल दिशा सूचक यंत्र लगाना भूल जाए, उसमें कंपास लगाना भूल जाए, उसकी क्या दशा होगी? वही आज बहुजनों की दशा है, क्योंकि हम सब दिशाहीन हैं। कितने अपनी ताल ठोक ले, हम सब अपनी पीठ थप थपा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, कोई किसी के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम यहां इकट्ठे हुए हैं, सब अपने अपने संगठनों को लेकर के हैं। मैं भी भारतीय बहुजन सभा का गाजियाबाद जिले का महामंत्री, लेकिन क्या उससे पहले मैं एक इंसान नहीं हूं? क्या इससे पहले बाबा साहेब का सिपाही नहीं हूं? क्या उससे पहले मैं धर्म का सेवक नहीं हूं? अगर हूं तो मैं कैसे हूं, हम क्यों नहीं हूं? आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट भी मेरा ब्रेक पर पैर रखा है, आपकी गाड़ी चलेगी या चलेगी? निश्चित तौर पर चलेगी, हम सब वही कर, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, ये बहुत मुझे भी इतने सारे वर्ष हो गए देखते हुए, अभी बहुत सारे एक हमारे सज्जन भैया बैठ कह रहे थे कि वो मैं आलोचना नहीं कर रहा, आप कुछ बताए अलग से ना ले, देख के भाई भाई साहब, हम छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं। आप भी बताइए कि आपने इतने सारे संगठन करे हैं, जनगणना की
कि जब आपकी जनगणना होगी, सरकार जनगणना बनाएगी, तब आप कुछ काम करेंगे। आपको किसने रोका है? जब आप 85% की बात करते हो तो 85% आपके साथ है। अगर है तो आपको आंदोलन करने से किसने रोका है? किसने आपके हाथ पकड़े हैं? कौन भाग निकल के है कि हाँ नहीं आंदोलन खड़ा? आप समझ लीजिए कितना जोर लगा लीजिए। अगर ये जनगणना भी हो जाएगी तब भी सरकार आपको कुछ भी देने वाली नहीं है। जब भी आपको जन आंदोलन करना पड़ेगा, अगर जन आंदोलन करना पड़ेगा तो हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उस समय की जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कहने के लिए होती है। और इस जनगणना अब आप देखिएगा, हम हरे हम में से जो यहां बैठे हैं और जो बहुजन के लोग हैं, उन हरे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि हमारा राजनीतिक सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सवाल की जो वाजिब है होनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो वर्तमान राजनीतिक सत्ता है, क्या उसमें आपका प्रतिनिधित्व पूरा है कि नहीं है? निश्चित तौर पर आप सब जानते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व पूरा है। अगर आज राजनीतिक सत्ता में आपका प्रतिनिधित्व पूरा है तो फिर आपके इन बहुजनों की आवाज को वहां कोई क्यों नहीं उठा रहा है? क्या वजह है उसके पीछे? उसके पीछे है स्वार्थ की, डर की, लालच की, मानसिक गुलामी। तब जब आप अगली राजनीतिक सत्ता तैयार करेंगे, उसमें क्या गारंटी है कि आपके बहुजन की बात हरकत कर जाएगा? पहले इसको सुधारिए, दिमाग को सुधारिए, दिल को सुधारिए, शीलों का पालन कीजिए। पहले इंसान को बन जाइए, बाद में बहुजन बनिएगा। अभी हम इंसान भी नहीं है। कितने आप सेमिनार कर लीजिए, कितने संगठन कर लीजिए, जब तक आपके अंदर यह जुनून नहीं पैदा होगा कि मुझे भारत को बदलना है, तब तक आप एकजुट नहीं हो सकते। सफलता का सूत्र है, सब जानते हैं, वैसे मैं दोहरा रहा हूं फिर भी, कि जब तक सफलता के लिए परफेक्ट प्लानिंग का होना बहुत आवश्यक है, वो भी उसके लिए जब आपका कोई उद्देश्य निश्चित हो। जब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो, उसके लिए आपकी परफेक्ट प्लानिंग माइक्रो लेवल तक चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए, अगर शब्द यूज कर रहा हूं, माइक्रो लेवल तक उसकी प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन उसी स्पिरिट, उसी तम्यता के साथ होना चाहिए, उसी समर्पण के साथ होना चाहिए, तब सफलता मिलती। अगर हम सफल नहीं हो रहे तो ना तो हमने कोई लक्ष्य बनाया है, ना हमारी कोई योजना बनी है और ना हमने उस पर काम करना शुरू किया है। और आप बात करते हैं कि 2024 में सब कुछ मिला तीर मार लेंगे, बिल्कुल नहीं मार सकते। आपके पास शक्ति की कमी नहीं है, आपके पास वरिष्ठ नागरिक इतने सारे हैं कि एक झटके में आपका थिंक टैंक बन सकता है। लेकिन क्या है, जब भी कोई हमारा आदमी रिटायर होकर के समाज में काम करने के लिए आता है, हम दुत्कारते हैं इसे, अरे पूरी जिंदगी तो काम के लिए काम करने आए। एक अनुभवी आदमी आपके पास आ रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, आप उसका दिमाग अनुभव भी मिलेगा, हमने सोचा है कभी? हम दुत्कार देते हैं, दूसरे फायदा उठा रहे। ये वरिष्ठ जन आपके सबसे बड़े सहायक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी महिला शक्ति जिसको हम इग्नोर करे बैठे हैं, कभी उन्हें जानने की कोशिश की है? अगर बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले यहीं से होगी। कोशिश की हमने नहीं किया, इसीलिए हम ना कहीं ना कहीं पीछे हैं। हमारी युवा शक्ति एक झटके में रिवोल्यूशन खड़ा कर सकती है, लेकिन डर इस बात का है कि वो हमारे इन नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। इसलिए समझ के चलना होगा, इसलिए बहुत सावधानी से कदम रख के चलना होगा। दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो समझने लायक आगे कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत जरूरी बातें हैं। अभी हम बात करते हैं बहुजनों की, और आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जो जब भी कोई इंसान घर से निकलता है, सबसे पहले उसके दिमाग में जाति घुसी होती है। दुनिया का एक भी वैज्ञानिक, बुला लीजिए पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों को, एक भी वैज्ञानिक नवजात बच्चे को, पैदा हुए को कोई बता दे किस जाति का, किस धर्म का, किस समुदाय का है?
तो आप मान जाइए ना कि जाति है, नहीं बता सकता, क्योंकि प्रकृति ने बाइफर्केशन नहीं किया है। बाइफर्केशन किसने किया है? हमने ही किया है, आपने किया है। समझिए इस बाइफर्केशन को, अगर इस बाइफर्केशन को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जाति कहां? दिमाग में। जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है, उसी दिन से चाहे सरकारी तंत्र में हो चाहे सामाजिक तंत्र में हो, हर एक आदमी के दिमाग में काला लाल दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। नहीं चल रहा तो समझ के देखिएगा। अगर आपके साथ छुपाछुप हुई है, आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है ऑफिसों में, तो किस कारण से? क्योंकि पैरा दूसरा संविधान दिमाग में चल रहा तभी हुई है। कोई कानून है उसके लिए? नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में चल रहा है। वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको निकालना होगा अपने दिमाग से। अगर आपने अपने दिमाग से नहीं निकाला तो कहीं बच नहीं पाएंगे। एक मरीज अस्पताल में खड़ा है, ब्लड की जरूरत पड़ी है, जब उसे ब्लड दिया जा रहा है तो पूछेगा कौन सी जाति के आदमी का ब्लड है, पूछेगा कौन से समुदाय का है? कभी कभी लेगा पूछ करके? नहीं, क्यों नहीं लेगा? वहां जाति कहां चली जाती है? क्योंकि जाति है ही नहीं। ये तो हमने वैसे पाली का शब्द है जाति, जाति का अर्थ है जन्म लेना, लेकिन उसको जोड़ दिया जाति से। ये पाली का शब्द है, जाति का अर्थ है जन्म, बस जन्म से जोड़ दिया जाति बन गया। और आज हम अपने मतलब जोश में घूम रहे हैं, मैं फला जाति हूं, मैं फला जाति हूं, हो रहा है ऐसे? मैं यादव हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं फलाना हूं, मैं जाट हूं, मैं चमार हूं, और एक वाल्मीकि समाज बना रहा और इसी वाल्मीकि को उठाए घूम रहे हैं। अरे पहले पढ़ तो लो, वो वाल्मीकि कौन थे? ये अज्ञानता है हमारे, समझने की जरूरत है। और इसका कौन करेगा? मैं ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, हमने ईमानदारी से काम नहीं किया। हम दूसरों को दोष देते हैं, क्या हम समाज में गए हैं, क्या हमने युवाओं को लगाने की कोशिश की है, क्या महिलाओं को लगाने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं की है, बस बैठ करके मंच पे भाषण दे रहे हैं। ये मन से काम नहीं चलेगा, नीचे उतरना पड़ेगा जमीन पे, और हर एक को करना पड़ेगा। हर एक आदमी अपने आप में इकाई है, हर एक आदमी अपने आप में यूनिट है, हर एक आदमी अपने आप में संगठन है। आप चलिएगा, आपके हर एक की जिम्मेदारी है। जब आप ये करना शुरू करेंगे रिवोल्यूशन एकदम खड़ा हो जाएगा। आप करते तो देखिएगा, क्यों नहीं कर रहे हम? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम करना नहीं चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और समाज, मुझे तो हैरानी इन बातों की हो रही है कि सब लोग पढ़े लिखे बन रहे हैं, सब लोग शिक्षित हैं, अब उस शिक्षा को कैसे मानते हैं? क्या डिग्री पाना शिक्षा है? क्या सर्टिफिकेट पाना शिक्षा है? अब किसी स्टूडेंट से सवाल करिएगा, तुम पढ़ क्यों रहे हो? या तो नौकरी पाने के लिए या सर्टिफिकेट पाने के लिए। एक भी स्टूडेंट हमारे समाज का ये नहीं कह सकता कि मैं कामयाब होने के लिए पढ़ रहा हूं। तो क्या हाथ पढ़ रहा है? शिक्षा की समझिएगा, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा और रोजगार। सुरक्षा में बहुत सारी चीजें आती है, अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे। समय की सीमा है, कहना बहुत कुछ चाहता था, आदेश हुआ है कि मुझे यहां बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी के बारे में मुझे कोई बात किसी को चुभी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है, अगर आज भी नहीं जागे तो कभी भी नहीं जागे। अपनी बात दो लाइन में खत्म करता हूं। एक टहनी कभी पतवार बनती है, एक टहनी कभी पतवार